देखिए अब तक चार चुनाव हुए हैं, दो झामुमो ने जीता, दो कांग्रेस ने जीता, तो आपको इससे गठबंधन की मजबूती साफ साफ दिखाई देती होगी। और फिर से एक बार गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव की जीत की ओर अग्रसर है। चुनाव तो एक बस जो चूंकि कोरम है उसको पूरा करना है, अदरवाइज वहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है कि जो देवी, जो आंदोलन की देवी ममता देवी जेल गई है, तो वहाँ के विस्थापन को लेकर के गई है, वहाँ के लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए गई है। जब एक छोटा बच्चा हाथ में था तब भी वो जेल में थी, एक छोटा बच्चा अब हाथ में है तब भी वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कितना स्नेह रखती है। डबल इंजन की सरकार में ऐसे एक मजबूत तरीके से केस किए गए, मुकदमे किए गए, जिससे कि उनको 5 वर्ष तक की सजा हो गई। ठीक है, न्यायालय के सामने क्या पेश सबूत किया गया और उस पर क्या निर्णय दिया न्यायालय ने, उससे मतलब नहीं है। जनता के न्यायालय में जा रहे हैं और जनता के न्यायालय में ये बात सभी लोगों ने जो समझा है कि एक कांग्रेस की विधायक आंदोलन के केस में गई है, दूसरा कांग्रेस का ही विधायक बनाना है, तो हमें नहीं लगता कहीं बहुत कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को असहाय साबित कर दिया है, पहले ही चुनाव घोषणा से पहले ही कहने लगे कि हम लड़ने लायक नहीं हैं, हम आजसू के साथ हैं, तो उनकी लाचारी भी दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ममता देवी का जो बदला है जो जनता जरूर लेगी, ममता देवी को जो जेल भेजा गया है उसका बदला रामगढ़ की जनता को लेना है, और रामगढ़ की जनता को हम लोग एक अच्छा उम्मीदवार देंगे, गठबंधन का उम्मीदवार देंगे और वो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, कल अब तो आप समझिए कि प्रतिदिन जाना है, सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उनको निर्देश मिल चुका है कि जो जिसके अपने अपने प्रोटोकॉल में अपने अपने हैसियत से सभी लोग रामगढ़ पहुँचे, जाएँ देखे समझे। देखिए ये तो अब भाजपा की घबराहट दिखाई दे रही है, कल ही चुनाव घोषणा हुई और कल से हमला शुरू हो गया। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भाजपा लोकतंत्र का गला घोटती थी चुपके से, अब वो खुल करके घोटने लगी है। कोई बाइक रैली के दौरान इस तरह की घटना हो ये दुखद है, सरकार है कि नहीं है वहाँ ये नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह के हमले होंगे और सभी हमलों का जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने जो त्रिपुरा में जाकर के कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट बढ़ी है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, तो अब इस तरह की घटना सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटनाओं से लोकतंत्र मरता नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।